हरियाणा से महाराष्ट्र तक तेज हुई चुनावों की गहमा गहमी, बीजेपी ने फिर छेड़ा राष्ट्रवाद का मुद्दा। सांगली में अमित शाह ने राहुल गांधी पर निशाना साधा, कहा भारत माता की जय का विरोध करने वाले जाएंगे जेल। अमित शाह के वार पर कांग्रेस का पलटवार, कहा एक बार फिर मुद्दे से ध्यान भटका रही है बीजेपी। जनता जब आंदोलित और आक्रोशित होकर सवाल पूछती है तो सरकार के जाने का समय आ जाता है। 370 को लेकर भी अमित शाह ने कांग्रेस और एनसीपी को घेरा, कहा एक क्यों होती है राहुल और पाकिस्तान की सोच। आपने इसका विरोध इसलिए किया कि आपको वोट बैंक की राजनीति करनी थी, तुष्टिकरण करना चाहिए। 370 को लेकर अमित शाह के वार पर कांग्रेस का पलटवार, पूछा हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनावों से क्या है लेना देना। धारा 370 का हरियाणा से क्या लेना देना है, धारा 370 का महाराष्ट्र से क्या लेना देना है, धारा 370 का अगर लेना देना है तो जम्मू कश्मीर से है। सांगली में अमित शाह ने जमकर की पीएम मोदी की तारीफ, कहा प्रधानमंत्री की वजह से दुनिया में देश का सम्मान बढ़ा। महाराष्ट्र के सोलापुर में अमित शाह ने विरोधियों पर वार किए, कहा वोट बैंक की राजनीति करना कांग्रेस की पुरानी आदत। महाराष्ट्र में कई जगहों पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने झोंकी ताकत, फडणवीस सरकार की नीतियों की तारीफ की। महाराष्ट्र के नांदेड़ में असदुद्दीन ओवैसी का कांग्रेस पर बड़ा हमला, कहा आने वाले दिनों में नहीं रहेगा पार्टी का नामोनिशान। छुट्टी से लौटने के बाद एक्शन में राहुल गांधी, केंद्र सरकार पर हमला, कहा मुझे चुप कराने में जुटे हैं विरोधी। मानहानि मामले में सूरत की अदालत में पेश हुए राहुल गांधी, 10 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई। पेशी के दौरान राहुल गांधी को पढ़कर सुनाए गए आरोप, राहुल गांधी ने कहा मैंने कुछ गलत नहीं कहा। कर्नाटक में एक चुनावी सभा के दौरान राहुल ने दिया था बयान, कहा था सभी चोरों का मोदी उपनाम क्यों होता है। कल अहमदाबाद के कोर्ट में होगी राहुल गांधी की पेशी, अमित शाह के बेटे को लेकर उनके बयान से जुड़ा है मामला। कल 2 दिनों के भारत दौरे पर पहुंच रहे हैं चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, चेन्नई में पीएम मोदी से आतंकवाद समेत कई मुद्दों पर होगी बात। शी जिनपिंग के दौरे को लेकर खास तैयारी, सजाए जा रहे हैं ममल्लपुरम के स्मारक। ममल्लपुरम में सुरक्षा के भी कड़े बंदोबस्त किए गए, चप्पे चप्पे की निगरानी के लिए लगाए गए सीसीटीवी कैमरे। चेन्नई के एक स्कूल में जिनपिंग के लिए स्वागत समारोह की तैयारी, चीनी राष्ट्रपति का मास्क पहनने दिखे छात्र। भोपाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं का हल्ला बोल, बिजली के बढ़े दामों को लेकर विरोध जताया। कल होगा दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के नाम का ऐलान, शीला दीक्षित के निधन के बाद से खाली है पद। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने केजरीवाल पर किया हमला, फ्लाईओवर के निशान को लेकर निशाना साधा। बन रहे फ्लाईओवर को जो केजरीवाल ने रोक दिया है, उसके खिलाफ जन आंदोलन के तहत एक धरने पे बैठे हैं। भुवनेश्वर में राजभवन के करीब बीजेपी का धरना प्रदर्शन, राज्य सरकार के खिलाफ हंगामा। पंडितों के लिए स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम शुरू कर रही है योगी सरकार, 3 महीने की ट्रेनिंग के बाद मिलेगा सर्टिफिकेट। हरिद्वार में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की बैठक, कुंभ मेले के कामों को लेकर माथापच्ची। मुर्शिदाबाद में परिवार समेत प्राइमरी टीचर की हत्या के मामले पर बवाल, बंधु प्रकाश के संघ कार्यकर्ता होने के खुलासे के बाद सुलगी सियासत। संघ कार्यकर्ता की हत्या को लेकर बीजेपी ने ममता सरकार को घेरा, कहा पूरे राज्य में अराजकता का माहौल। देखिए बंगाल में अराजकता की स्थिति है, लाइन ऑर्डर बिल्कुल भी नहीं है। कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव के बाद से सरकार फ्रस्ट्रेशन में है। बंगाल में सत्तारूढ़ दल ने संघ के दावों पर उठाए सवाल, पूछा 36 घंटे बाद बंधु प्रकाश को अपना कार्यकर्ता क्यों बता रहा है आरएसएस। ट्रिपल मर्डर को लेकर मुर्शिदाबाद में शिक्षकों का विरोध प्रदर्शन, आरोपियों की फौरन गिरफ्तारी की मांग।
मुर्शिदाबाद हत्याकांड में जागी पुलिस, हिरासत में दो आरोपी, सियासी साजिश की संभावनाओं से इनकार। दो दिन पहले हुई थी मुर्शिदाबाद में दिल दहलाने वाली वारदात, गर्भवती पत्नी और 8 साल के बेटे समेत प्राइमरी टीचर की हत्या। झांसी एनकाउंटर को लेकर योगी सरकार पर भड़के अखिलेश यादव, कहा यूपी में राम राज्य नहीं नाथू राम राज्य। हमारे मुख्यमंत्री जी को पता ही नहीं है, उन्हें एक आना है बस, तभी तो कहते हैं ठोको। तो ये राम राज्य है, ये राम राज्य नहीं है, नाथू राम राज्य है ये। झांसी में पुष्पेंद्र के परिजनों से मिले अखिलेश यादव, लोगों ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। यूपी की कानून व्यवस्था पर मायावती ने भी सीएम योगी को घेरा, कहा अपराधियों का जंगल राज, ध्यान दे सरकार। राजस्थान के मंत्री भंवरलाल मेघवाल का विवादित बयान, कहा अगर गहलोत कहें तो उपचुनाव में कांग्रेस को जिता देंगे, नहीं तो हरा देंगे। मुंबई में बीजेपी मुख्यालय के बाहर पीएमसी बैंक के ग्राहकों का हंगामा, वित्त मंत्री की पीसी से पहले धावा बोला। पीएमसी बैंक खाताधारकों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से की मुलाकात, जीवन भर की कमाई लौटाने की मांग की। हमारे पैसे से प्लेन खरीदे जा रहे हैं क्या? टैक्स पेड मनी है हमारी, पूरी हालत हो गई। शाम पाकिस्तान है हमारे, ये हमारे पैसे से प्लेन। टीवी कलाकार नूपुर अलंकार के परिजनों के पैसे भी बैंक में फंसे, कहा जरूरी खर्च के लिए भी लेना पड़ रहा है उधार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पूरे मामले से पल्ला झाड़ा, कहा हालात पर नजर रख रहा है रिजर्व बैंक। बर्दवान में बीजेपी नेता के घर के करीब मिला देसी बम, समर्थकों ने की जांच की मांग। कश्मीर में आज से पर्यटकों के लिए भी रोक हटी, 370 के हटाए जाने से पहले ही लगा दी गई थी पाबंदी। पाबंदियों के कारण श्रीनगर में टूरिज्म उद्योग की हालत खराब, 50% से ज्यादा डिस्काउंट दे रहे हैं होटल। जम्मू कश्मीर के पूंछ में पाक की करतूत सरहद पार से फायरिंग में एक स्थानीय नागरिक जख्मी। पंजाब में फिर दिखा पाकिस्तान का ड्रोन, फिरोजपुर के एक गांव में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट। गुरुग्राम में गो तस्करों और गोरक्षकों के बीच मुठभेड़ का वीडियो वायरल, एक घायल। गुजरात के खेड़ा में ट्रेन से टक्कर में बड़ा हादसा, एक बच्चे और दो महिलाओं की मौत। बिहार के दरभंगा में शराब के नशे में पकड़े गए थानाध्यक्ष, एसएसपी ने सस्पेंड किया। पंजाब के बठिंडा में बिजली कर्मचारियों का बवाल, पुलिस से भिड़े प्रदर्शनकारी। पंजाब के मोगा में ट्रक से टकराई पूर्व मंत्री विक्रम मजीठिया के काफिले की कार, एक की मौत, 4 गंभीर रूप से घायल। दिल्ली के भाटी माइंस में 2 दिन बाद मिली युवक की लाश, दशहरा के दिन नहाने के दौरान झील में डूबने से हुई थी मौत। पालघर में सड़क पर गड्ढे की वजह से स्कूटी सवार लड़की की मौत, ट्रक ने बीच सड़क रौंद डाला। बिहार के मुजफ्फरपुर में शादी करवाने के लिए युवक का अपहरण, इनकार करने पर पीट पीट कर मार डाला। बुलंदशहर में नशे में धुत युवक ने अपने ही मोहल्ले में जमकर उत्पात मचाया, गुस्साए लोगों ने युवक की पीटकर हत्या की। ललितपुर में बेटे की खुदकुशी के बाद बाप ने भी ट्रेन से कूदकर जान दी, घर में मातम। अमरोहा में 11वीं क्लास के छात्र की लाश मिली, गोली मारकर हत्या का शक। इंदौर के रानीपुरा में कारोबारियों के 2 गुटों में खूनी संघर्ष, 16 से अधिक लोग घायल। भिंड में क्रिकेट खेलने को लेकर परिवार के लोगों ने ही रिश्तेदार की हत्या की, सभी 6 आरोपी फरार। चंदौली में महिला की सड़क हादसे में मौत के बाद बवाल, नाराज गांव वालों ने सड़क पर घंटों जाम लगाया। ओडिशा में डीआरआई को बड़ी कामयाबी, ट्रेन में सफर कर रहे 2 लोगों के पास से करीब 5 करोड़ का सोना जब्त। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भारत और कजाकिस्तान के जवानों का संयुक्त युद्धाभ्यास, विदेशी जवानों ने गाए देसी गाने। इस साल मानसूनी बारिश ने ली देश भर में 2100 लोगों की जान, गृह मंत्रालय ने जारी किए आंकड़े। मानसून के दौरान महाराष्ट्र में हुई सबसे अधिक मौतें, करीब 400 लोगों ने जान गंवाई। भोपाल में भारी बारिश से बदहाल हुई सड़कें, सोशल मीडिया पर वीडियो डालकर सरकार का मजाक उड़ा रहे हैं लोग। बद्रीनाथ में लगातार हो रही बर्फबारी से लुढ़का तापमान, 4 धाम के श्रद्धालुओं की मुसीबत बढ़ी। गंगोत्री धाम में भी रुक रुक कर हो रही है बारिश, गोमुख और ऊंची पहाड़ियों पर हिमपात।
29 अक्टूबर को बंद होंगे यमुनोत्री धाम के कपाट, 6 महीने के लिए खुशी मठ में प्रवास करेंगी यमुना। जुलाई सितंबर तिमाही में टीसीएस के मुनाफे में 1.8% की बढ़ोतरी, 8,042 करोड़ रुपए पर आंकड़ा। सोना 3 रुपए की मामूली बढ़त के बाद 39,375 रुपए प्रति 10 ग्राम, चांदी में 24 रुपए की मामूली गिरावट। 297 अंकों की गिरावट के साथ 37,880 पर बंद हुआ सेंसेक्स निफ्टी, 78 अंक गंवाकर 11,234 पर बंद। एक दिन के ब्रेक के बाद गुरुवार को फिर घटे पेट्रोल डीजल के दाम, पेट्रोल 5 पैसे, डीजल 6 पैसे प्रति लीटर सस्ता। यूपी में अब आधार कार्ड से लिंक होगी संपत्ति, योगी सरकार लागू करने जा रही है नया नियम। वॉइस कॉल पर चार्ज वसूलने पर जियो की सफाई, कहा ट्राई के 1 जनवरी 2020 से आईयूसी खत्म करने के फैसले को बदलने का असर। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को टोल टैक्स में छूट देने पर विचार कर रही है सरकार, टोल फीस में 50% तक मिल सकती है रियायत। 90वीं एनिवर्सरी पर जावा ने लॉन्च किया नया एडिशन, बाइक की तुरंत होगी डिलीवरी। विस्तारा लाइफ फेस्टिव सीजन सेल, 1,199 रुपए में कराएगी हवाई सफर। अनिल अंबानी ने अपने दोनों बेटों को कारोबार में जोड़ा, रिलायंस इंफ्रा के बोर्ड में शामिल हुए अनमोल और अंशुल। गूगल, एप्पल और फेसबुक जैसी बड़ी डिजिटल एमएनसीज से टैक्स वसूल सकेगी सरकार, ओईसीडी ने प्रस्ताव दिया। ट्रेड वॉर पर वार्ता शुरू होने से पहले अमेरिका ने चीन पर फिर निशाना साधा, कहा अब तक के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा है चीन। पुणे टेस्ट के पहले दिन भारतीय बल्लेबाजों ने फिर दिखाया दम, टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 3 विकेट के नुकसान पर 273 रन। ओपनर मयंक अग्रवाल ने जड़ा लगातार दूसरा टेस्ट शतक, 108 रन की पारी में शामिल 16 चौके और 2 छक्के। सस्ते में निपटे रोहित शर्मा, लेकिन चेतेश्वर पुजारा ने जड़ा अर्धशतक, तेज गेंदबाज रबाडा ने झटके 3 विकेट। कप्तान विराट कोहली ने भी दिखाया आक्रामक तेवर, 63 रन बनाकर अजिंक्य रहाणे के साथ क्रीज पर मौजूद हैं। बॉक्सर मैरीकॉम ने विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में बनाई जगह, 8वां मेडल जीतकर इतिहास रचेंगे। इस महीने के आखिर तक खत्म हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र का फंड, अधिकारियों को सैलरी देने के लिए भी नहीं है पैसे। ट्रंप के खिलाफ महाभियोग की जांच को लेकर अमेरिका में बढ़ी तनातनी, व्हाइट हाउस ने सहयोग देने से साफ इनकार किया। अमेरिकी सेना के हटते ही तुर्की ने सीरिया में कुर्दिश लड़ाकों पर बरसाए बम, जारी किया वीडियो। अमेरिका में टेक्सास के होटल में भीषण आग, पूरे आसमान में छाया धुआं, 7 लोगों के जख्मी होने की खबर है। 3 वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से मिला 2019 का रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार, अमेरिकी प्रोफेसर ने 97 साल की उम्र में जीता अवार्ड। ईरान में 40 साल बाद खत्म हुआ महिलाओं का इंतजार, मिली स्टेडियम में फुटबॉल मैच देखने की इजाजत। कॉमिक बुक सीरीज एस्ट्रिक्स का 60वां सालगिरह मना रहा है पेरिस मेट्रो, आकर्षक अंदाज में सचे 12 स्टेशन। चांद पर मौजूद पानी के इस्तेमाल की तैयारी कर रहा है नासा, भविष्य में भेजे जाने वाले मिशन के लिए चंद्रमा पर ही ऊर्जा तैयार करने की योजना है। चीन में धूमधाम से मनाया गया सीनियर सिटीजन डे, पर्वतारोहण में लगभग 3 लाख लोगों ने लिया हिस्सा। मशहूर मोराको कार रैली में रचा गया नया इतिहास, दक्षिण अफ्रीका के जीनियल ने कड़े मुकाबले में अपने नाम किया खिताब।